हेलो क्लास, तो हमने प्रीवियसली वीक हमने पूरा अपना चैप्टर कंप्यूटर का कंप्यूटर सिस्टम रीड आउट किया था। अब उसके आगे आपके पेज नंबर 5 पे जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आपकी फ़र्स्ट एक्टिविटी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर पे क्या है, इन विच प्लेस कंप्यूटर आर यूज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ आता है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स और शॉप्स। तो हॉस्पिटल में ही पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल के आगे टिक करेंगे। सेकंड है, इन विच प्लेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू इशू द टिकट्स। अब टिकट्स वगैरह इशू करने के लिए कंप्यूटर कहाँ यूज़ आता है। नीचे ऑप्शन है रेलवे स्टेशन, बैंक्स और होम। तो रेलवे स्टेशन इज़ द राइट ऑप्शन, तो उसके आगे हम टिक करेंगे। थर्ड वन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब हमने कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े थे, ऐसा कौन, नीचे जो ऑप्शन है उनमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। मॉनिटर, सीपीयू और रिमोट। तो रिमोट कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, तो हम रिमोट के आगे टिक करेंगे। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैन नॉट बी कैरिड अलोन ईजीली। ऐसा कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है जो ईजिली कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। हमने पढ़े थे प्रीवियसली, तो नीचे ऑप्शंस दिए हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पाम टॉप कंप्यूटर। तो सही ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो उसके आगे हम टिक करेंगे। अब बी एक्सरसाइज है आपकी ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन। तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या अपने आप काम कर सकता है, नहीं, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, कमांड्स देते हैं, तो वो कंप्यूटर काम करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड है, कंप्यूटर कैन बी यूज टू वॉच मूवीज़। क्या कह रही है सेकेंड स्टेटमेंट, कंप्यूटर को हम मूवीज़ देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो येस, वाई नॉट, कंप्यूटर मूवीज़ देखने के लिए यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। अब थर्ड पे आते हैं, तो कीबोर्ड इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कीबोर्ड एक मेजर कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का। हमने फोर मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे कंप्यूटर सिस्टम के, तो उसमें कीबोर्ड इज़ द वन ऑफ द ऑप्शंस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। तो फोर्थ है, अ टैबलेट इज़ अ काइंड ऑफ पोर्टेबल मोबाइल कंप्यूटर। हमने टैबलेट के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि वो मोबाइल की तरह दिखता है पर वो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसके आगे भी ट्रू लिखेंगे। नाउ आपकी सी एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको कुछ ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपने ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डैश विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब कंप्यूटर एक क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे मशीन को फिल करेंगे। सेकेंड है, मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कीबोर्ड, सीपीयू एंड डैश। तो हमारे मेजर कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़े थे, फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स। तो आप ऊपर ऑप्शंस में देखिए, मॉनिटर आपको दिया हुआ है, तो कंप्यूटर का मेजर कंपोनेंट क्या, मॉनिटर भी होता है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक में मॉनिटर को फिल करेंगे। थर्ड है आपका, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर आर नोन एज डैश। हमने पढ़े थे पीसीज के बारे में, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो थर्ड पे हम लिखेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स। फोर्थ वन इज़, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक डैश। हमने पढ़ा था कंप्यूटर एक्यूरेसी पे काम करता है, कभी गलती नहीं करता, जैसा उसको कमांड करते हैं वैसे ही वो रिजल्ट देता है। तो हम लास्ट ऑप्शन में फिल करेंगे मिस्टेक। नाउ आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, डी एक्सरसाइज, मैच द कॉलम्स। तो हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट कंप्यूटर से मैच हो रहा है, बी स्टेटमेंट, इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो बी स्टेटमेंट के आगे हम वन लिखेंगे। नेक्स्ट है कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, कंपोनेंट है ना कंप्यूटर का मेजर, तो यह डी स्टेटमेंट है, इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो कीबोर्ड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो डी ऑप्शन के आगे हम सेकेंड ऑप्शन फिल करेंगे। थर्ड है टैबलेट, टैबलेट क्या है, ए ऑप्शन देखिए, इज़ अ काइंड ऑफ पोर्टेबल मोबाइल कंप्यूटर, पोर्टेबल मोबाइल कंप्यूटर है, तो थर्ड को हम ए से मैच करेंगे। फोर्थ है लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, इजीली कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, तो लैपटॉप कंप्यूटर को हम सी से देखिए मैच करेंगे, कैन बी इजीली कैरिड अलोन। तो इस तरीके से ये मैच द फॉलोइंग्स हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स।
तो हम क्वेश्चन आंसर्स को आज स्टार्ट व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आंसर लिखेंगे अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है। ओके, सेकेंड है नेम एनी फोर मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हमने पढ़े थे अपने कंप्यूटर सिस्टम के चैप्टर में फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स, तो वो कौन कौन से हैं। आंसर है द फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर पर्सनल कंप्यूटर, द कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम आर पर्सनल कंप्यूटर। क्या होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर्स जो एक टाइम पे एक ही पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन, मैन एंड कंप्यूटर के बारे में हमें डिफरेंस बताना है। तो इसके आंसर में बेटे हम पेज नंबर 3 और 4 पे एक टेबल बना हुआ है, ये देखिए आपका पेज नंबर 3 पे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड अ मैन, ये कॉलम आपके बने हुए हैं, व्हाट अ कंप्यूटर कैन डू और व्हाट अ मैन कैन डू, ये 3 कॉलम्स पेज नंबर 3 पे, और बाकी के रेस्ट ऑफ द कॉलम्स अगर आप देखेंगे तो आपके पेज नंबर 4 पे नेक्स्ट, ये आपका पूरा टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल को आप एज इट इज़ उस आंसर के उस क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन, ऐसे ही कॉलम्स बना के। ओके, नाउ आपकी A to DE एक्सरसाइज तक पूरी कंप्लीट होती है, जिसे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, अपने नोटबुक्स को बच्चों सभी मेंटेन करके रखेंगे, आपके होमवर्क कंप्लीट होने चाहिए। और आप नेक्स्ट है, अगर आप अपनी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 6 पे, तो आपकी जहाँ एक्सरसाइज ख़त्म होती है वहाँ एक फ़न एक्टिविटी दिया हुआ है, गेस माई नेम, उसको हम बुक में ही करेंगे। तो कैसे करेंगे हम उसको देखते हैं। फर्स्ट पे लिखा है, आपको ये पिक्चर्स दिए हुए हैं और कुछ उसके हिंट्स दिए हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये कॉलम्स में नेम भरने हैं। तो फर्स्ट पे आई प्रिपेयर योर फूड, हम आपका फूड, कौन आपका फूड प्रिपेयर करता है, मतलब आप गर्म करते हैं, आपने सब घरों में ये गैजेट्स वगैरह देखे होंगे। तो फर्स्ट पे ये पिक्चर बना हुआ है माइक्रोवेव का, तो हम फर्स्ट पे लिखेंगे माइक्रोवेव। सेकंड है आई हेल्प यू इन डूइंग सम्स, तो ये क्या है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की हेल्प से हम सम्स या बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथ्स के, तो सेकंड में हम कैलकुलेटर लिखेंगे। थर्ड है आई हेल्प यू टू टॉक टू योर फ्रेंड, ये तो मोबाइल्स आपने सबने देखे होंगे जिसके थ्रू हम बात करते हैं, तो थर्ड पे हम मोबाइल फ़ोन मोबाइल लिखेंगे। फोर्थ पे है आई कीप योर फूड कूल, आपने ये फ्रिज वगैरह आपके सबके घर में होता है, तो ये यहाँ पे जो नीचे इसके कॉलम्स दिए हुए हैं उसमें हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर। तो ये सभी एक्सरसाइजेज, ये फन एक्टिविटीज़ आप जैसे बोला गया है वैसे कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन, अपने होमवर्क्स की नोटबुक्स को मेंटेन करेंगे। इसके लिए आपको पूरा 1 वीक दिया जा रहा है, तो नेक्स्ट वीक तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, थैंक यू।